बीबीसी। ओ बीबीसी टीवी से आए हैं ना? बीबीसी मतलब बाशु बंकिम चंद्र। चट्टोपाध्याय। ए क्या कर रहे हो? वो कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, वो किसी को छूने से फौरन चार्ज हो जाता है। आमी चट्टोपाध्याय, फोटोग्राफर कम प्रेस रिपोर्टर, आनंद बाजार पत्रिका कोलकाता। आमी क्रांतिकारी पत्रकार, हमारा कॉलम हम AK-47 की तरह धता 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 चलाता है, रुका ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सुबह सुबह ही डाउन बैटरी कहाँ से आ टपका? हाँ तो मिस्टर डाउन बैटरी, मेरा मतलब है बीबीसी। हाँ। तुम इतने हिलते डुलते क्यों? सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या? हम चिंगम खाता है। पता नहीं कहाँ से खा रहा है। हाँ। खा रहा है मुंह से और हिल रहा है पीछे से। बैठिए। थैंक यू। देखो ना, आमी कौन सा स्टेट का पुलिस कितना ईमानदार। थैंक यू। इसके ऊपर थीसिस लिख रहा है। अच्छा। हम ट्रेन से जा रहा था, आपको मैनली स्टाइल से गुंडों को पीटता देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम चलती ट्रेन से झांप मारा और आपका कारनामा का छोभी खींचा। अपना स्टाइल उड़ी बाबा। हमार खूब भालो लागलो। जो दे आप फिल्मों में होता ना तो सोनी देवल का और आपका जोड़ी कमाल का। ओ एकदम सही कहा सर। फाइट मारता है। शट अप सर, ही इज माय फेवरेट हीरो। आई सेड शट अप। देखिए मिस्टर बीबीसी, अब आप छपवा दीजिए इन तस्वीरों को अखबारों में और कर दीजिए मेरे नाम का हंगामा सारे शहर में। आपके नाम का असली हंगामा तो तखन होबे जब इस छवि के साथ आपके असली रंग का ये छवि भी छपेगा। घूस खाने वाला ये दूसरा, जरा वो अंडर है प्रिंटिंग में। भयंकर डेंजर। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? पत्रकार सुनो, मैं कोई लेडी डायना नहीं हूँ कि तुम जैसे फालतू जर्नलिस्ट से डर जाऊंगी। मैं लेडी किरण हूँ, किरण पाटकर। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक चीजों में। वो बांग्ला साड़ी पहनोगी ना, उड़ी बाबा, और डेंजर लोगोगी। ये डाउन बैटरी लगता तो है मर्द का बच्चा, वरना वर्दी में और वो भी पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर के साथ ऐसी बात। शायद दादा भाई आ रहे हैं। दादा मुनि आ रहे हैं, एक्टर। दादा मुनि नहीं, दादा भाई। आपका भाई? अरे मेरा भाई नहीं, हम सब का भाई, शहर का भाई। शहर का भाई? अपना हिसाब किताब बाद में करेगा, वो चलता है। बाय बाय। लगता है हथौड़ा यहीं पे टकराएगा। मगर दादा भाई, इसके लिए आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक फोन कर लिया होता। पांडू सोड़ो दे थैला। सोड़ो भाई जल्दी। हां लाओ सिर्फ 3 मिनट बाकी। अगर मैं शर्त हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमाल कमाल फास्ट फास्ट। पाटकर मैम साहब, ये आप सभी शर्त लगाए सका? लाइए लाइए, शर्त के पैसे निकालिए, टाइम नहीं है। हो गया, आप शर्त हार गए। अरे कहां दौड़ा जाता है दादा भाई? मोंटी मोंटी, आप जानते हैं मैं कभी जीतो शर्त के पैसे वापस नहीं करता, जानते हैं ना? ओके आई सी यू लेटर। अरे देखा भगवान, लगता है बहुत लाड़ प्यार से पाला है अपने अपने भाई को, है ना? अब बस यही हमारे कमजोरी है मैम साहब, अब का बताई तो का। और ससुराल जाना था कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बस फायदा उठा लेते हैं। अब देखा आपसे शर्त लगा सके नहीं। हां कितना लगेगा भाई? 1500 ही थे ही। अरे 1500 होते है इल्ले। एक दो तीन, 1500 रुपया ये लो गिल्ले। अरे नहीं नहीं दादा भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ले ले, रखा रखा रखेगा। मगर दादा भाई वो पैसे मेरे थे ही नहीं। तो हार नहीं रहा है फिर? भगवान का प्रसाद ही समझ लीजिए। अब वो मैं खाऊं या वो खाए क्या फर्क पड़ता है? ला हमारा रुपया वापस दे। ये क्या हो रहा है? कौन मर गया? का चलो निकलो यहां से, भागो भागो, पानी तो नहीं है। चलो
चलो चलो। क्यों छोड़, अबे छोड़। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि बच्चे अंदर बम रखा है, लॉकअप के साथ पुलिस लाइन भी उड़ जाएगी, खुद तो मरेगा मेरे को भी मरवाएगा साला। कोई बचाओ, अरे बाबे, अरे बचाओ, अरे किसी ने बाबे। कैसा ससुराल, लॉकअप में बम तुम्हारी रखे रहो ना, ताकि बिहारी जबान खोले से पहले खत्म हो जाए और तुम्हारा जौन उल्टा सीधा काम है वो छुपा का छुपा रह जाए। ज्यादा हमसे होशियारी कराता बाबा इंस्पेक्टर साहब, और पुलिस स्टेशन में जौन आदमी बम रखे रहा ये है ससुरा, डर लेगा हराम ज्यादा। ए आके का दिखाते पे मारा बहन खींच के तो कब ले जा, ले जाएगा, चलो ले चलो इसे। हाँ ले जा दादा भाई, चलो ससुर के ना। और दादा मुनि कौन है भैया? ओहो तुम आओ यहाँ आए गए, कैसे भैया हमसे कोनो काम है का? आमी पत्रकार बीबीसी। बीबीसी? हाँ ये का होता बासु बंकिम चंद्र ये क्या करत हो? हमारा बैटरी को भी कभी डाउन हो जाता है, ऐसा छूने से रिचार्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा, गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाते ही तो हम सुना रहा, आदमी का बैटरी डाउन हो जाते पहली बात सुन रहा है हम। और एक बात बताई तो, ये जौन तुम्हारा बाल है ना, चूल 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 चूल, ये जौन चूल है तुम्हारा बहुत बढ़िया है। वो इससे भी बढ़िया था, इतना लंबा था। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान का राइट में आधा कट गया। कैसे? वो हम रिपोर्ट लिखने गया था, वो गुंडा लोग हमको लड़की समझ के पीछे पड़ा, वो तलवार से आधा कट गया, चूल कट गया, हम बाल बाल बच गया। तेरे की गोशन, गोशन। आजा बैठा बैठा बैठा, हाँ बैठ जा। ये हम सिगरेट खा सकता है? सिगरेट खा सकता है? अरे सिगरेट पिया की चीज होता है, खाए की थोड़ी ना। नहीं हम बांग्ला में सब खाता है, पीता नहीं। आप सिगरेट नहीं खाता है? अरे सिगरेट ना खाए हमार दुश्मन, ये देखा ये फाई फाई फाई, ये है दादा भाई की असली पसंद। बाबा रे, पूरी बाबा, ये की ड्रामा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, बिल्कुल तुम्हार जैसे। मतलब ये भैया, हाँ, कि तुम ठहरे पत्रकार, हाँ, तुम्हार रिश्ता हो का चाहे गम के साथ या तो फिर रम के साथ, ये बम के साथ जौन तुम्हार रिश्ता बन गवा, ये हमार खोपड़ी में घुसत नहीं है। आज जौन पुलिस स्टेशन में तुम बम लेके भागे हो, हमका तो ऐसा लगा कि तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है के साथ। नहीं वैसा नहीं है, वो क्या है, वो बिहारी गुंडा था ना, उसका हम छोबी उतारने को गया था, उधर हम बम देखा, हमारी वो कहते हैं ना कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने, वो मजबूरी में बहादुरी दिखाया। अच्छा, लेकिन दादा भाई आपका आपका ये हाथ एकदम हथौड़ा है, आर्मी वाले जैसा, आप बम को बिल्कुल नहीं डर रहे। अब का बताई भैया, हमार तुम्हार कहानी जौन है वो बहुत मिलत जुलत है, समझो कि नहीं। अब देखा, बिना कोनो दादागिरी किए तमाम शहर वाले हमार नाम रख दिए हैं दादा भाई, और तो और नाम के पीछे एक और नाम जोड़ दिए हैं, हथौड़ा हथौड़ा। अब इस सबके बाद अगर हम डर जाए तो कहे का दादा भाई, कहे का हथौड़ा, बताओ। दादा भाई आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? अरे बाप, विजिटिंग कार्ड का जरूरत नहीं पड़ा था क्यों? हमार नाम ले करके कौनो रिक्शा वाला पुलिस वाला टैक्सी वाला के दे देबो तो सीधा ला करके हमार दरवाजा के आगे तो का उतार दई है, समझो। अच्छा दादा भाई, हाँ ये लड़की को तो भूल गए हम। हाँ अच्छा भैया जाए थे, आए, हाँ राम राम।
गुस्सा बहुत करता है, बीड़ी भी पीता है। अब रह गई दो बातें, चाय बिना शक्कर की पीता है कि नहीं, और बोलता कितना है। स्माइल प्लीज। देखा भैया, ये जाओ ना इंटरव्यू तुम ले आ चाहत हो, का करबो? यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारे माता पिता का नाम का है, हम हुआ से हिया कैसे आ गए, हिया हम काका किया, यही जानना चाहते हो ना? ए गंगू भाई, अरे सुना 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 सुना, तुम्हार जो प्योर दूध वाला स्पेशल ताजगी वाला चाय है, दूसरा प्याला हमका दे दिया। ये देखा ये बीबीसी साहब है, नमस्कार, हमारे इंटरव्यू नहीं है, हाँ जल्दी करा। ए सुरमान भाई, का देखा था इंटरव्यू? कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए। हाँ फोटो छाप दे बनो भैया। हाँ छाप देंगे, छाप देंगे दादा भाई। वो बैठा बैठा बैठा। देखा तुम जो पूछा चाहत हो वो हम सब जाना था। हम जो बोले वाला है वो सुन लो। अरे ओ मौलवी भैया, ये देखा इंटरव्यू होता है। बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ भैया बोला। ये लो भैया, दो कप असली ताजगी वाली अमीरी तुम दोनों के लिए और बाकी गरीबी सबके लिए। ठीक है गंगू भाई। अमीरी अमीरी चौक गये ना? अरे हम समझाए थे तो का, अमीरी का मतलब होता है दूध ज्यादा पानी कम, और गरीबी का मतलब होता है पानी ज्यादा दूध कम। अरे नहीं भैया, पानी है पानी होता है, दूध का तो केवल खुशबू होता है। हाँ बोला भैया, कितना शक्कर डालिए? मैं एक चम्मच। एक ए, एक चम्मच चाय ये तुम्हार हो गई और ये हो गई हमार। आप शक्कर नहीं खाता है? अरे शक्कर ना खाए हमार दुश्मन। ये देखा, एक दुई तीन चार और ये पांच। ये देखा था, एक कप बोला था खड़ी चम्मच की चाय। चम्मच खड़ा हो गया? हाँ खड़ा हो गया, मीठा तो नहीं हमका ज्यादा जरूरत पड़ा था। एक ज्यादा हुआ और एक डाल दिया है बस। ये गंवार डायबिटीज से मरेगा। इतनी बकबक करने वाला कर्नल सूरी हो ही नहीं सकता। कैसे भैया बीबीसी? हाँ? का अरे हम जाना था, तुम्हार मन में का चला था? नहीं नहीं, आवाज बहुत होते ना। अब देखा भैया का बताई तो से, चाय पिए का जौन तरीका है हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं पिया जाता है। इस शहर वालन की तरह हम चाय नहीं पी सकते हैं। ये जौन चूहिया की तरह मुंह लगा के ये जो खुदुर बुदुर करा था ना, ये हमसे नहीं हो सकता। चाय पिए का असली मजा जौन है वो एहमा है। कैसे भैया सुलेमान का? हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंघरू की आवाज ना हो तो कहे का मुजरा? सही बता का। गंगू भाई कौन है ये? कोई प्रेस वाला है, दादा भाई का इंटरव्यू ले रहा है। मगर दादा भाई आज बोल बोल कर किट कॉल की तरह उसे खटिया से ऐसा चिपका देंगे कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ भैया अब सुना हमार कहानी। गलत है? हाँ। कोई मर गए थे? अरे मरा नहीं, मरा वाला है, सामने वाले घर में शादी होते। हाँ। एक और फंसा ससुरा। अरे मुन्ना सुना हो, ए तनिक बलवंत के बोला ही गाना बजाना बंद करे, हमारे इंटरव्यू चला था, टिप्पा में आवाज कैसे घुसी? दादा भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है। का बलवंत की शादी की? शॉपिंग? शादी की नहीं, अर्थी की। अरे कौन उठ गो का? वो रामू चाचा थे ना। अंतिम संस्कार का सामान लाने को शॉपिंग बोलता है? यंग जनरेशन। अरे भैया बीबीसी। हाँ दादा भाई। हमका तुरंत रामू चाचा के यहाँ जाए का पड़ा। ये इंटरव्यू कोनो और दिन नहीं हो सका? हाँ हो सकता। हाँ तो ऐसा करा था कि परसों इतवार के दिन हमारा जन्मदिन है। हाँ खूब गाना बजाना खाना पीना हो, तुम आओ आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए, पर आज हमका जाए का पड़ी भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा राम राम। राम राम। अच्छा राम राम भैया। प्रणाम प्रणाम। राम राम। राम राम सर। अब सिर्फ एक बात रही।
उसकी फिंगरप्रिंट। कौन है? उड़ी बाबा। लगता है बचपन में भी शरारती था। कितनी नंगी तस्वीर खिंचवा के रखी है जी? गया कहाँ? वाओ! ये अपनी चॉइस का मामला है। वाह, क्या मसल्स बनाए हैं आपने! लगता है आपको कसरत का बहुत शौक है ना? नहीं, वो कसरत कभी कभी कभी। वो सलमान, उसका फोटो सेशन किया था ना हमने, वो तब से हमको भी थोड़ा सा चौसका लग गया। वो कसरत का ये सब सामान, वो कसरत का, वो यही बच्चा दिया। वेरी नाइस बॉय, वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी नाइस चैप। मैं यहाँ बंगला साड़ी पहन के आई हूँ, वो नहीं देखता, बस भलती बातें किया जा रहा है। लगता है ये पुलिस वाली सोच रही होगी कि मैं बांग्ला साड़ी पहन के आई हूँ और ये देखता ही नहीं, भलती बातें किए जा रहा है। कुछ भी कहो, ये तीखी मराठन बांग्ला साड़ी में रसगुल्ला लग रही है। वेरी नाइस बॉय। तुम कुछ सोचता है? नहीं, सोचना क्या है, हम पुलिस वाले सोचते कम है, करते ज्यादा है। इज्जत खतरे में है, लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। अजीत बेटे फुटाई से, वरना तेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। लगता है आप भी कुछ सोच रहे हैं ना? हाँ, हम समझ गए। आप अपना छोपी लेने को आए हैं? ये आपका छोपी, वो सलमान का छोपी तो उसका मसल हमसे बड़ा है। उसका छोपी घर में चिपकाएगा ना, आपको प्रेरणा मिलेगा। क्या करूं मैं इस डाउन बैटरी का? साला मैं इसके मसल की तारीफ कर रही हूँ और ये सलमान के गुण गा रहा है। लगता है इस बुद्धू बंगाली का बाजा अब मेरे को ही बजाना पड़ेगा।